तो दोस्तों काइन मास्टर द्वारा पिकॉक इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्लस का निशान पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है साइज। आप कोई भी एक साइज सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं कर लेता हूँ 16.9, इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे काइन मास्टर का फर्स्ट इंटरफेस आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर मीडिया पे जाना है और यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है। यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन है, बैकग्राउंड पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ब्लैक कलर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऊपर राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाएगा। और इसको खींच के कर लेते हैं, थोड़ी लंबाई तक खींच लेते हैं इसको। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वो वीडियो इम्पोर्ट कराना है जो हमने ब्लू या ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया है। तो लेयर में जाएंगे और यहाँ पर मीडिया में जाएंगे और यहाँ पर कैमरे में चले जाएंगे और यहाँ से वो इमेज मैंने इम्पोर्ट करा ली है जो मैंने ब्लू स्क्रीन पे रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ब्लू कलर का पर्दा है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस फुटेज को क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रॉपिंग का, क्रॉपिंग पे क्लिक कर लीजिए और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं यहाँ तक, थोड़ा सा इधर से भी क्रॉप कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर से भी क्रॉप कर लेते हैं। तो तीनों तरफ से हमने इसको क्रॉप कर लिया है और राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो फुटेज है वो यहाँ पर फिट आ चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस फुटेज को वहां तक सेलेक्ट कर लेना है जहां तक आपको चाहिए, क्योंकि ये फुटेज में कई बार मैंने रीटेक दिया है तो मैं लास्ट मूवमेंट पर ही सेलेक्ट करूंगा और यहां से केवल इतना सा मैं ले लेता हूं यहां से। तो इस वीडियो पे क्लिक करूंगा और यहां पर ऊपर आप देख सकते हैं क्रॉपिंग का टूल है, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहां पर लिखा हुआ है ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो लेफ्ट का जो पार्ट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसको खींच के आपको शुरुआत में ले जाना है, तो मैं शुरू में ले जाता हूँ इसको यहाँ पे, तो ये शुरुआत में यहाँ पर आ चुका है आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें जाना है क्रोमा की में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमा की का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर इसको कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको इससे परसेंटेज सेट करनी होगी, यानी कि आपको ब्लू जो कलर है वो यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर ऊपर से थोड़ा परसेंटेज को घटा बढ़ा लेते हैं और नीचे से भी कर देंगे, कलर कर देंगे यहाँ पर फुल ब्लैक। अब देख सकते हैं यहाँ पर केवल ब्लैक कलर रह गया है और यहाँ पर ऊपर थोड़ी एक बिंदी यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रही। इसको थोड़ा और मैं क्रॉप कर लेता हूँ जिससे कि ये बिंदी नजर ना आए, तो क्रॉपिंग पे जाएंगे और हल्का सा इसको और मैं क्रॉप कर देता हूँ, राइट के साथ में क्लिक करूंगा। अब वो बिंदी यहाँ से गायब हो चुकी है आप देख सकते हैं, मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, देख यहाँ तक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वीडियो का डुप्लीकेट बनाना है, तो वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे तीन डॉट दी गई है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दो वीडियो फुटेज हो जाएंगी। अब आपको एक वीडियो फुटेज को रोटेट करना है, तो इसको रोटेट कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से और इसको खींच के कर देते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमने इसको खींच के कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस वीडियो फुटेज की जो ऑप्सिटी है अल्फा ऑप्सिटी यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं जिससे कि लगे कि ये परछाई है, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी ऑप्सिटी कम कर दी है और राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे। अब मैं एक बार फिर से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, देख यहाँ। अब हमें इस वीडियो में जो मेरी आवाज आ रही है इसको हमें रिमूव करना है, तो वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीकर का ऑप्शन, पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से वॉल्यूम को कर दीजिए 0 राइट करेंगे। अब हमें दूसरी क्लिप पर भी क्लिक करना है और यहाँ से भी इसकी ऑडियो को कर देना है 0 राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। अब हमारी फुटेज जो है वो यहाँ पर तैयार है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है जहाँ पर इस लड़की के हाथ ऊपर की तरफ होते हैं वहाँ से, तो मैं इसको थोड़ा प्ले को सरका देता हूँ, प्ले एड को यहाँ पे इसने किया है और यहाँ से मुझे बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, तो क्रॉपिंग पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके बैकग्राउंड के लिए जो फुटेज आपने लगानी है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कराना है, तो मैं क्या करूंगा मीडिया में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने कुछ फुटेज डाउनलोड की है उसको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करा लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वो फुटेज है जो मुझे यहाँ पर लगानी है, आप देख सकते हैं वो फुटेज यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक इफेक्ट देना है, तो यहाँ पर जाएंगे इफेक्ट में क्लासिक ट्रांजिशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रॉस फेड का, इस पर आप क्लिक कर लीजिए और राइट के साथ पे क्लिक कर दीजिए। अब हमें इसे प्ले करके देखना है कि ये वीडियो कैसा बना है, इसके बाद थोड़ी सी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, तो प्ले कर लेते हैं। ये
ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले तो हमें दोनों वीडियो को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है, यानी कि नीचे सरका देना है, ये बिल्कुल सेटिंग जिससे कि इसकी सही हो सके। और इसको भी खींच लेते हैं ऊपर वाली वीडियो को, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वीडियो बिल्कुल सही जगह पे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस इफेक्ट को थोड़ा सा और कम कर देना है बैकग्राउंड को, जिससे कि ये सही जगह पे आ सके। फिर से हम इसे प्ले करके देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि हमें कहाँ तक चाहिए। देखिए यहाँ पे इसने हाथ उठाए हैं और हमें यहाँ पे इफेक्ट की शुरुआत करनी है, तो इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ ले आते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके कि सही टाइमिंग हुई है कि नहीं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही टाइमिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर टाइमिंग हो चुकी है। और यहाँ से जो फालतू वीडियो, इसको आप रिमूव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और इसमें आप जो भी म्यूजिक लगाना चाहें वो यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ और आप चाहें तो आगे का कुछ भाग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।